नमस्कार, आप लगातार डॉटिन देख रहे हैं और मैं जीतन कुमार हूँ। इस वक्त हम देवघर के शिवगंगा पर हैं और जितने भी बाबा धाम श्रद्धालु आते हैं इसी शिवगंगा में स्नान करते हैं। जाहिर है उनकी आस्था इस शिवगंगा से जुड़ी हुई है। यही नतीजा है कि शुद्ध होना इसी शिवगंगा से होना पड़ता है। लेकिन इसके शिवगंगा पर भी सवाल या निशान खड़ा होने लगे हैं कि मसलन ये शुद्ध है, स्वस्थ नहीं। जी हाँ, इनकी गंदगी को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शुद्ध भले ही है, स्वस्थ बिल्कुल भी नहीं। इससे चर्म रोग भी हो सकता है। इस बीच हमने जो पंडा समाज हैं जयदेव बाबा, उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, उनसे भी बात करते हैं कि ये शिवगंगा की इस हालत आखिर क्यों हुई। हमारे साथ बाबा जी, बताइए ऐसी आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो गई। शिवगंगा का पूर्ण सफाई सबसे पहला होना चाहिए। 1985-86 में जब शिवगंगा की सफाई हुआ था, पूर्ण रूपेण सफाई हुआ था, और वह सफाई जो है फिर से अगर हो तो शिवगंगा अच्छे ढंग से सफाई होगा। ये मलबा जो आता है ये मलबा नहीं आएगा। इसमें सरकार की सहभागिता मिलनी चाहिए और जिला प्रशासन और यहाँ के राज्य के जो मुखिया हैं उनको कम से कम इस मसले पर एक अच्छा मैसेज लेना चाहिए। और यहाँ पर जो शिवगंगा है, शिवगंगा की पूर्ण रूपेण सफाई का कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 वर्षों के बाद श्रावणी मेला लगने वाला है और अभी से ही यहाँ जलकुंभी इतना हो चुका है कि हर 1-2 महीने में नगर निगम को काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है यह मलबा निकालने में। नए तरह का यह सेवाल है क्योंकि कटीला है, अगर कोई श्रद्धालु स्नान करते हैं तो कांटे की तरह उनको चुभता है। अच्छा, नगर निगम इस पर पहल करें क्योंकि यह धार्मिक आस्था के साथ यह शिवगंगा जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए फिल्ट्रेशन प्लांट वो लगाया गया है, उस फिल्ट्रेशन प्लांट का यूज़ होता है कि नहीं होता है। फिल्ट्रेशन प्लांट यह जो है कार्य करता है, परंतु शिवगंगा इतने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है कि ये कहता है जीरा के मुँह, ऊँट के मुँह में जीरा के समान। ये कभी फिल्ट्रेशन प्लांट से कभी भी सफाई नहीं हो सकता है। या कोई भाभा रिसर्च आ जाए या नागपुर का कोई कंपनी भी आ जाए, शिवगंगा के पानी को साफ नहीं कर सकता है। पुरानी कथा के अनुसार यहाँ शिवगंगा में जो है यहाँ के पानी को ले जाकर हम लोग घर में हमारे पूर्वज दाल बनाते थे, चावल बनाते थे, खाते थे, परंतु आज शिवगंगा की यह दयनीय स्थिति देखकर लगता है शायद कोई मसीहा आए और शिवगंगा को साफ करे। बिल्कुल, अब ये शिवगंगा की सफाई मसीहा के भरोसे भी होने लगी है, ये यहाँ के पंडा ने बताया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ का जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया उस फिल्ट्रेशन प्लांट का यूज़ कितना बेहतर तरीके से हो पा रहा है देवघर शिवगंगा के लिए। देवघर से लगातार डॉटिन के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार डॉट इन के साथ।